हरी हर, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। स्वागत है आप लोग का हमारे नए व्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। शाम के 6 बज रहे हैं और पीछे आप लोग देख सकते हैं हमारा दरबार कितना सुंदर दिख रहा है। और अभी बारिश का मौसम भी है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। शाम का सीन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ एक्सपीरियंस इस बीच में हुए हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है हमारा, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जैसे कि जब मैं दरबार पहली बार आई थी तो एक होता है ना कि जब हम लोग थक जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, तभी हमें ईश्वर, मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर का आशीर्वाद, गुरु कृपा तभी हमें होती है। वैसे ही अभी हम लोग पिछले, आप लोग हमारा मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को समझ में आता होगा कि इस बीच में ना थोड़ा सा स्ट्रगल जैसा हमारी लाइफ में चल रहा है। अभी इटली का स्टॉल हमने डाला है, जिस रूम में थे वहाँ हमें चेंज करना पड़ा, फिर हम दूसरे रूम में आए हैं, तो ये कैसे मिला? अभी हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ पे हम बहुत ही खुश हैं, तो ये कैसे मिला ये मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कुछ सीख ही मिलेगी, ठीक है। जब हम लोग रूम, जब हमें बोल दिया गया 2 दिन पहले, जिस रूम में हम पहले थे, कि ये रूम आप लोग को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो छोड़ने के लिए कह दिया, तो उसमें बहुत टेंशन में आ गए कि अब क्या करें हम लोग। फिर उसके बाद हम अपनी बुद्धि से जितनी ताकत थी हमारी, हम लोग भागम भाग करने लगे, रूम ढूंढने लगे। और जितना हमसे हुआ 2 दिन पूरा रूम ढूंढने में हम लगा दिए, लेकिन रूम हमें नहीं मिल रहा था जैसा हमें चाहिए था, जहाँ पर कोई खिचखिच ना हो, कोई मगजमारी ना हो, शांति से हम सुकून से रह सके। और लाइट, पानी, घर भी अच्छा चाहिए, और एक हमें, मतलब एक अच्छा घर चाहिए था जहाँ पे सुकून हो, और मिट्टी वाला घर भी चाहिए था। तो ऐसा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा था, लेकिन हम लोग अपने जान में खूब रूम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा था। फिर अचानक में क्या हुआ था कि शाम के यही समय बज रहा था, शाम के 6:30 बज रहा था, और हम दोनों, मेरे पति देव, हम दोनों एक जगह शांति से खड़े हुए, रास्ते पे खड़े हुए, और थोड़ा बहुत ज़्यादा हम परेशान थे, टेंशन में थे कि अब क्या करें, रूम नहीं मिल रहा है, रूम कल खाली करना है, क्योंकि 2 दिन का समय दी थी, 2 दिन हम खूब ढूंढे, रूम हमें नहीं मिला। तो फिर हम लोग खड़े होके बोले अब क्या करें, रूम तो नहीं मिला। तो हम जहाँ पर रहते हैं उससे थोड़ी दूरी पर एक शिवलिंग की स्थापना है हुई है, मतलब बहुत पुराना शिवलिंग होगा, लेकिन हम जब से जाने शिवलिंग को, तब से हम वहाँ पे जाते हैं, जब समय मिलता हम जाते हैं, जल अर्पित करते हैं, ठीक है। तो हारे थे, टेंशन में थे ही हम लोग कि क्या करें क्या ना करें, शाम का समय था। और जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो संध्या काल का समय होता है, भगवान शिव जी का बहुत प्रिय समय होता है, सूर्योदय और संध्या काल, ये बहुत प्रिय समय होता है भगवान शिव जी का। तो यही सूर्यास्त का समय चल रहा था, और हमने कहा छोड़ो, मैंने कहा कि छोड़ो ये सारी चीज़ें और चलते हम लोग शिवलिंग पे, पहले पहले जल चढ़ाते हैं, दिया जलाएंगे, और धूप बाती जो करना है फूल अर्पित करेंगे बाबा से, और उन्हीं को कहेंगे कि बाबा रूम ढूंढ ढूंढ के हम थक गए हैं, और अब आप कुछ करिए। बाबा माँ से प्रार्थना कर रहे थे, और ये सब गुरु कृपा कह सकते हैं, गुरु कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो बाबा माँ को कहे, फिर अचानक में हम लोग को आया कि शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना चाहिए, तो बाबा के पास गए, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, और उनके पास खड़े होके बोले भगवान, भगवान भोलेनाथ को हमने कहा कि बाबा अब रूम आप ही दोगे, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। और जैसा हमने ऐसा कहा और जल अर्पित किए, वहाँ पर थोड़ा सा हम खड़े थे, प्रार्थना पूजा की, उसके बाद चमत्कार हुआ हमारे संग। फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ से निकले फिर एक गली में हम घुसे, और एक व्यक्ति हमें मिले, और उनसे हमने पूछा कि, मतलब थोड़ी पहचान हमारी हो गई थी, रास्ते में एक बार हम मिले थे ऐसे, तो हमने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते कि हम अपना रूम चेंज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि रूम चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे आपने रूम लिया है, तो बोलते हैं इसी इधर ही पीछे तो लिया है। मैं बोली वहाँ पे एक्स्ट्रा और भी रूम है क्या, बोलते हैं कि आके देख लीजिए, एक ही रूम था, अब दूसरा रूम है भी नहीं, आप आके देखो, शायद जो रूम मालिक है उसका एक रूम था, वो किसी को उस रूम में रखता नहीं था। तो कहा कि आप एक बार बात कर लो, शायद अगर वो मान जाए तो जो रूम में वो रहते हैं वो आपको दे सके। तो हम ये सोच के आ गए,
और ऐसा सोच के हम आ गए कि चलो एक बार बात करके देखते। जैसे हम वहाँ पे आए, वो बाबा के मतलब बहुत पुराने कह सकते दरबार में कर्मचारी रह चुके, दरबार के बहुत पुराने भक्त रह चुके, 15-20 साल गुरुदेव की सेवा उन्होंने की है, गुरुदेव को बना के खाना वाना खिलाया, मतलब बहुत सारी सेवा दरबार में रहे हैं 15 साल। और उन्होंने कहा कि दरबार का जो एक एक ईंट है ये गुरुदेव के पैसे से बना हुआ है, मतलब यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, इधर छत हर एक चीज़ बोलते गुरुदेव के पैसे से बना हुआ है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, गुरुदेव की बहुत सारी तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और तभी हम लोग समझ गए ये हमारे गुरुदेव की ही कृपा है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हमारे गुरुदेव की कृपा है कि हम जब सारा मतलब थक गए, हार गए और जब बाबा के पास चले गए मांगने के लिए, हम 2 दिन से ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम थक गए हार गए और गुरुदेव बाबा से कहा, उनको एक क्षण नहीं लगा, तुरंत रूम मिला। और वो जिस वो अपना रूम किसी को नहीं देती जिसके अंदर वो रहती है, वो रूम हमें दे दी, बोलती आप लोग बिंदास इसके अंदर रहिए, ये किचन आप यूज़ करिए, सारा यूज़ करिए, बोलते जहाँ पे बनाना खाना है पूरा घर ये जो आप देख रहे हैं पूरा, बोलते आपको जो करना है जैसे करना है आप करिए। और सुबह सुबह उठ के हमारे बाबा का दर्शन हो सामने हो जाता है, मतलब इतना कृपा हमारे गुरुदेव की हम पर हुई है। ये आप लोग को शेयर इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, देखिए समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास ऑप्शन रहता है ना, जब तक हम लोग हाथ पे पटकते हैं कि हम कर लेंगे, अपना जब तक दिमाग लगाते हैं तब तक कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा थक जाते हैं ना कि जो भी जिसको भी आप लोग मानते हो, तो हम जो भी हमारे इष्ट हैं, हम जब उनके प्रति समर्पित होते कि बाबा अब आप ही को करना है, हमसे तो नहीं हो रहा, फिर तब कमाल होता है, तभी अच्छा होता है। तो ऐसा हमारे संग हुआ है, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। तो बहुत हमें अच्छा लगा, उन्हीं की कृपा से इतना सुंदर रूम मिला है, बहुत अच्छा है घर, इतना अच्छा है ना, मैं सच बताऊँ तो गोबर से लिपा हुआ घर है, दीवारें कच्ची हैं और एकदम मस्त व्यू है ना, चारों तरफ पेड़ है, खेत है, दूर दूर तक खेत दिखते, एकदम एक मतलब बोलते हैं ना कि समतल एकदम खेत दूर दूर तक दिखता है, बहुत सुंदर लगता है बहुत। और जैसा हमें चाहिए था सेम बाबा ने वैसा दिया, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो। और इसका जो रेंट है ये रेंट भी कम है, और लाइट है, पानी है, कोई खिचखिच मगजमारी नहीं किसी से, तो बहुत हमें यहाँ पे आके अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग मेरे चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग में। हरी हर आप सभी को, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की।